Hello and welcome students. This is Alif sir. Today we are going to read literature of class 2. This is our chapter 6 and the name of chapter the ant and the sparrow. Basically in this chapter we will understand about the story of an ant and the sparrow. Okay. In this chapter, in the first paragraph there are some word meanings I have written on the board. First in there, in this, in their Hindi meaning. Okay. First of all I am going to explain these word meanings, then I explain the chapter. Okay. So pay attention on board and look at me. The first is thirsty, that means pyasa, tini. Here the meaning of tini is thoda sa. Okay, tuk means li, and this is the past form of take. Okay, sleep means chisalna, screen that means sheekna, above means upar, forward means aage, began means shuru kiya. Okay, this is the word meaning of the first paragraph. Okay, let's begin our chapter. A little red ant was very thirsty. He went to the bank of a river. He took one tiny step at a time and crept toward the water. एक बार की बात है कि एक रेड एंट होती है, ठीक है, उसको एक बार प्यास लगता है, वो नदी की तरफ जाना चाहती है और वो धीरे धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है, ठीक है. When he got to the water, he tipped his head forward. जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है, पानी को देखती है, तो अपने हेड को नदी के पानी में डालती है ताकि वो पानी को पी सके. His leg slipped and he fell into the river. फिर वो क्या होता है, उसके पैर फिसल जाते हैं और वो कहाँ चली जाती है, इन द रिवर, वो नदी में गिर जाता है. The ant did not know how to swim. He began to drown. वो तैरना नहीं जानती थी. Okay? He didn't know how to swim. तो वो क्या करने लगी, मतलब लगी अब डूबने लगी. तैरने आ जाने जिसको क्या करेगा, वो डूबने लगेगा. He tried to keep his head above the water. वो कोशिश की अपने हेड को वाटर के अबव रखे, यानी वाटर के ऊपर रखे, क्योंकि वाटर के नीचे जाएगा तो वो टोटली सिंक हो जाएगा उसमें. फिर सी में भी डाई. ओके, तो वो क्या की, वो ट्राई कर रही थी कि अपने हेड को ऊपर रखे और बचने की भी बहुत कोशिश कर रही थी. द एंट केप्ट बॉबिंग इन द आउट ऑफ द वाटर लाइक ए टिनी रेड बॉल. उसका जो हेड है ऐसे बाहर नजर आ रहा था, लग रहा था कोई रेड बॉल पानी के ऊपर है. इस टाइम ही बॉब्ड आउट द वाटर ही स्क्रीम्ड हेल्प. जिस बल बार बार वो क्या कर रही थी, उसका हेड पानी काफी गहरा था तो पानी में वो डूब रही थी, बार बार अपने हेड ऊपर कर रही थी, डूब रही थी अपने हेड ऊपर कर रही थी ऐसे, और जब जब वो बाहर निकल रही तब तक वो क्या मतलब हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी. A sparrow lived in a tree near the river. उस near के river के near में एक पेड़ था. उस पेड़ पर एक sparrow रहती थी. She heard his cry and peeped out her nest. उसने देख सोच ये सुना ये ant की आवाज की कोई help चिल्ला रहा, तो वो अपने nest से निकली, मतलब वो पेड़ पर एक tree पर थी, तो अपने nest से निकली और देखी. She saw the tiny red ant bobbing in the out of the river. वो देखी कि कोई रिवर में बॉबिंग कर रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, कोई वो रेड चीज देखी. रेड चीज वाज क्या था, वो इट वाज हेड ऑफ रेड एंट. ओके, तो वो उसको देखी, ही वाज क्राइंग आउट फॉर हर, और देख रही थी कि उसमें से वो मतलब जो रेड हेड है, ये रेड हेड है, वो बॉबिंग कर रहा है, नीचे जा रहा ऊपर आ रहा, नीचे जा रहा ऊपर आ रहा, और वो चिल्ला रहा था हेल्प के लिए, वो आवाज लगा रही है. शी ब्रॉट ए लीफ फ्रॉम द ब्रांच द ट्री विद हर बीक. वो क्या करती है, वो उसका हेल्प करती है. कैसे, वो जो स्पैरो है उस एंट का हेल्प करती है. कैसे करती है, वो क्या करती है, एक ब्रांच से एक लीफ को तोड़ती है. ओके, और अपने बीक से मतलब अपने बीक से वो तोड़ती है. सी ड्रॉप द लीफ ऑन द वाटर क्लोज टू द एंट. फिर वो उड़ते हुए जाती है और क्या करती है, वहां पर जहां पर वो एंट डूब रही थी उसके जस्ट आगे वो उस लीफ को ड्रॉप कर देती है, दैट मीन्स गिरा देती है, रख देती है, ताकि वो क्या करे, वो एंट क्या करे, उस लीफ पर आकर के बैठ जाए और वो मतलब डूबने से बच जाए. Now student, in the next paragraph there are some word meanings I have written on the board here in the meaning. The first is cling, that means chadna. Second is spread, that means phailana. Danger, that means khatra. Pick up, that means uthana. Pen means dard. Leaf means patta. And bird catcher, chuniya pakadne wala. Okay, bird catcher. The sparrow called little red and cling on the leaf. You will be safe. वो क्या करती है, स्पैरो उस लीफ को रख देती है एंट के जस्ट आगे, और उसे बोलती है कि तुम बच जाओगी, तुम इस लीफ पर चढ़ जाओ. The leaf floated toward the ant. The ant is the on the all six legs. Then the rolled the himself on the leaf. फिर वो क्या करता है, वो लीफ धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, तो एंट क्या करती है, उस अपने
पूरे सिक्स लेग को क्या करती है, उस पर रख देती है और चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद वो किनारे ये रिवर के बैंक पर वो आ जाता है। ओके, द एंट सेड थैंक यू लिटिल बर्ड फॉर सेविंग माय लाइफ। फिर एंट बोलती है उसको, थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी लाइफ बचाई। ए फ्यू डेज लेटर ए बर्ड कैचर कैन विद ए नेट द लिटिल रेड एंट शॉ द स्प्रेडिंग नेट नियर द स्पैरोज होम। एक बहुत इसी तरह से बहुत दिन गुजर जाता है तो जंगल में एक बर्ड कैचर होता है। द मीनिंग ऑफ बर्ड कैचर इज चिड़िया पकड़ने वाला होता है। वो आता है, वो अपने नेट को पूरी तरह से स्प्रेड करता है। हियर द मीनिंग ऑफ स्प्रेड दैट मींस फैलाना। तो स्प्रेड करता है इसको, ये नेट को स्प्रेड करते हुए जो एंट है वो देख लेती है। ओके, ही न्यू दैट लिटिल बर्ड वाज इन डेंजर। ही कॉल्ड हिज फैमिली एंड फ्रेंड टू हेल्प हिम। वो समझ जाती है, लेकिन जो रेड जो एंट थी वो समझ जाती है कि जो स्पैरो है वो खतरे में है, क्योंकि स्पैरो के घर के पास ही जो नेट को मतलब स्प्रेड कर दिया गया था, यानी कि बर्ड कैचर जो था वहां पर स्प्रेड कर दिया था। वो समझ जाती है कि अब जो स्पैरो है वो डेंजर में है, तो अपने फ्रेंड और फैमिली के पास जाती है। जो एंट होती है फ्रेंड और फैमिली के पास जाती है, बोलती है कि चलो स्पैरो ने मेरी मदद की थी, अब हम लोग की मदद किया जाए। सून एन आर्मी ऑफ एंट्स केम ऑन द बर्ड्स कैचर्स फीट एंड लेग, दे स्टार्टेड टू बाइट। सी उसके बाद ढेर सारे एंट आ गए एक आर्मी की तरफ और बर्ड कैचर के लेग पर चढ़ गया, उसे काटने लगे, बहुत जोर जोर से काटने लगे। द बर्ड कैचर स्क्रीम इन पेन। बर्ड कैचर दर्द के मारे चिल्लाने लगा। ओके, हियर द मीनिंग ऑफ पेन इज दर्द। ओके, ही पिक्ड अप हिज नेट एंड रन अवे। और वो क्या किया, वो अपने नेट को पिकअप किया। हियर द मीनिंग ऑफ पिकअप इज उठाना। वो अपने नेट को पिकड अप किया, यानी वो अपने नेट को वहां से उठाया और दौड़ करके भाग गया, क्योंकि जो बहुत सारे एंट्स ने उसके पैर पर अटैक कर दिया था, काटने लगे थे, उसको पेन होने लगा था, तो वहां से भाग गया था। लिटिल रेड एंट सेव द स्टारस। इस तरह से जो लिटिल रेड एंट है इसकी लाइफ को सेव किया स्पैरो को। पहले क्या कहते थे, स्पैरो ने एंट के लाइफ को सेव किया था। ओके, दिस वाज आवर चैप्टर, आवर स्टोरी, वी हैव कंप्लीटेड स्टोरी। ठीक है, From this story we understood that we should always help each other, okay, whether in good situation, in bad or bad situation. In this chapter there are some pick the correct answer. This is your homework, and your homework is read this chapter, watch this video, remember these word meanings. And one more thing, please drop your name in the comment box, because we are going to make your attendance every day. Okay, this is very important. Please be serious with study. We are making video for you. And your attendance is being made, okay? So please be serious with study. Thank you. Have a nice day.